लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज बताएगा क्या तैयारियां की जा रही है, किस तरह से इस्तकबाल किया जाएगा अरशद नदीम का। जी तैयारियां यहां पर अरूज पर हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता यहां पर जो ओलंपियन फातह हैं अरशद नदीम उससे के इस्तकबाल के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में नहीं है लेकिन इक्का दुक्का लोग आना जरूर शुरू हो गए हैं। उसकी फैमिली भी, अरशद नदीम की फैमिली भी मियाँ चनू से चल पड़ी हुई है। 3-4 बसों में 150 से 200 के करीब लोग जो हैं वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके अलावा स्पोर्ट्स बोर्ड के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, ओलंपियन जो पाकिस्तान ओलंपिक सोसाइटी है उसके लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और थोड़ी देर में जो वाबडा है जिस जहाँ से अरशद नदीम जिस इदारे से खेलते हैं उनके लोग भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं स्पोर्ट्स के, और यहाँ पर तैयारियाँ अरूज पर हैं। पुलिस की सिक्योरिटी भी यहाँ पर भारी नफरी तैनात की गई है ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। तो इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट के मैं इस वक्त बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है चूँकि अभी अंदर जाने की हमें इजाज़त नहीं, लेकिन वहाँ पर जो तैयारियाँ इस वक्त अरूज पर हैं जो हमें बताया गया है, जो ही स्पोर्ट्स बोर्ड के लोग यहाँ पर आएंगे और दीगर जो लोग हैं जो इस्तकबाल के लिए आएंगे, सूबाई वजीर खेल हैं, सेक्रेटरी खेल हैं और दीगर जो हुकाम यहाँ पर पहुँचेंगे, तो उसके बाद जो ये तैयारियों का जो मरहला है वो तैयारियाँ अरूज पर हैं। ओलंपियंस भी पहुँचना शुरू हो गए हैं इस्तकबाल के लिए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए रियाज़।